सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और बहुत दिन बाद वन ऑन वन फेस टू फेस बात हो रही है कैमरे के सामने। अभी मोस्टली वीडियोस बाहर ही बन रहे थे, तो पहले ये वीडियोस उन लोग के लिए मैं दिखा देता हूँ जो सिर्फ ये लाइट देखने आए हैं। उसके बाद मेरे जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनसे कुछ बात मैं करूँगा। तो ये देख लीजिए अनबॉक्सिंग। ये लाइट मैंने ऑटोफाई से लिया है। ऑटोफाई का एक स्टोर है अमेज़ॉन पे, उन्हीं से मैंने ये लाइट परचेज किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, और ये इसमें सारे चीज़ मेंशन है, राइडिंग गियर, कार एक्सेसरीज, क्यूआर कोड है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। और इसमें आपको ये दो इस टाइप के एलईडी ऑक्सिलरी लाइट मिलेंगे। 6 LED के हैं ये, एक इंडिविजुअल जो है। और ये रहा एक स्विच इसके साथ मिलता है, आपको अलग से नहीं परचेज करना होगा। फीडबैक अच्छा है इस स्विच का। और उसके बाद ये सेकंड है जो लाइट है, और ये क्लैंप है कुछ इसके साथ, आपको आएंगे फिटिंग के लिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ परचेज नहीं करना होगा। ये एक थैंक यू नोट है, और यही वारंटी कार्ड भी है इसका। आपको रजिस्टर करना होता है वारंटी इनकी वेबसाइट पे। और ये जो सेकंड पेयर है लाइट का, अच्छे से पैक था, बबल रैप था इनका। और जो कुछ क्लैंप्स आते हैं साथ में, जो भी फिटिंग के लिए नेसेसरी होता है, वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। आपको बाहर से कोई भी चीज़ें परचेज नहीं करनी होंगी। तो मैंने खुद से ही इसे अपने बाइक पे फिट किया, अपने लेग गार्ड पे। और आप भी चाहें तो इजीली कर सकते हैं, और नहीं तो आप कहीं आसपास जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने लोकल मैकेनिक से। और इसके फिटिंग के लिए मैंने एक रिले यूज़ किया है। जैसा कि लोग बोल रहे थे रिले सेफ होता है, और उसकी जो डायग्राम है मैंने कैसे वो किया है, उसके लिए मैं एक वीडियो नीचे लिंक कर दूंगा, आप देखिएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन वीडियो है, और कोई भी उसे देख के इजीली लाइट जो है वो सेटअप कर सकता है ऑक्सिलरी लाइट का। तो वो वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, यहाँ कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब आपको मैं लाइट का आउटपुट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा डिपर जिक्सर का, और ये अपर है सुजुकी जिक्सर का, और ये बूम, ये है ऑक्सिलरी लाइट। तो लाइट काफ़ी अच्छे हैं, मैंने काफ़ी नीचे लगाया है इन्हें। और कई लोग हेडलाइट के बगल में लगाते हैं, तो मैं वहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इससे परेशानी होगी। एक दो जगह और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए। लाइट मुझे अच्छे लगे, 24 वाट के हैं कम्बाइंड। एक लाइट 12 वाट का है, 6 LED 12 वाट, और दोनों कम्बाइंड 24 वाट के होते हैं। तो ज़्यादा जो पावर है वो कंज्यूम नहीं करेगा, और रिले लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो एक और मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप वो देख लीजिए। तो बस ये लाइट अच्छे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, वारंटी मिल जाता है। आई डोंट थिंक कि और कोई ऐसे लाइट हैं इतने 1000 रेंज में जो आपको वारंटी देंगे। बट ये है कि वारंटी कितना इजीली एसेसिबल है अगर आपको इन केस कोई इशू होता है तो। और वाटरप्रूफ ये सब टेस्ट मैंने नहीं किया है, कई लोग किए हैं, कई लोग का पानी गया हुआ है, कई लोग बोलते हैं वाटरप्रूफ है। तो आपको ध्यान रखिएगा, कंपनी से वाटर रेजिस्टेंट बोलती है, तो आप ढक के रख सकते हैं। तो बस लाइट के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं जो बात करता हूँ वो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उस चीज़ उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो लाइट लगाने, मैंने कभी अपने बाइक पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, और मैं इस फेवर में नहीं रहता हूँ किसी भी मॉडिफिकेशन के, खासकर इसमें इलेक्ट्रिकल का एक छेड़छाड़ का डर था, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था। बट समहाउ मुझे करना पड़ा, और एक टेस्ट की तरह मैंने किया है। मैं सोचा एक बार मंगवा के देखता हूँ क्या होता है, इसलिए मैंने खुद से इसे फिट भी किया है, ताकि कोई वायरिंग कट ना हो। मैंने कोई भी वायर ओरिजिनल कट नहीं किया है बाइक का। और लास्ट ईयर जब मैं पटना मुस्तांग राइड से वापस आ रहा था, मैं जब पटना से बिलासपुर आ रहा था, पटना बिलासपुर अप्रॉक्स 700 किलोमीटर है, आप ना चाहते हुए भी आपको अंधेरा हो गई। जब मैं पटना से निकला सुबह 4 बजे, तो वो जो औरंगाबाद हाईवे है, काफ़ी ट्रक ट्रैफिक था, और पूरे सब हाईवे में आ रहे थे, बहुत परेशानी हुई थी। आप वो वीडियो देखिएगा, मैं लिंक कर दूंगा। और शाम में जब मैं बिलासपुर पहुंचने वाला था, उसके पहले चूंकि पूरा जंगल एरिया है, केंदा घाट है, बेलगहना है,
तो जो लोग यहाँ से हो जानते होंगे, डेंस फॉरेस्ट है और अंधेरा होने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था और एकदम नील ट्रैफिक था। तो बहुत मुश्किल हुई थी उस समय, लाइट का एडजस्टमेंट भी ख़राब था, इस वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ अब बिना लाइट के नहीं चला सकते, चला ही सकते हैं, मैं भी आज तक चला रहा था और हो सकता है मैं आगे भी चलाऊँ, मुझे मेरा कोई ठीक नहीं है मैं इसे निकलवा दूँ। तो उस समय मुझे लगा कि एक लाइट होना चाहिए, मैंने कई लोग को देखा, फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो लगाए हैं, रचित सर भी लगाए हुए हैं, अपनी नई बाइक में लगवाया उन्होंने, तो मैं सोचा देखते हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ट्राई करके देखने में क्या आ जाता है, तो मैंने लगाया। और लेकिन मैं इसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिटी के लिमिट में यूज़ ना करें और उसे जितना लोअर हो लगाएं। कई लोग हेडलाइट के बगल में लगाते हैं, सामने वाला को बहुत परेशानी होगी। और मोस्टली मैं इसे ढक के रखने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक आध दिन ही अपने राइड पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसे मोस्टली मैं नाइट राइड प्रीफर नहीं करता। और नाइट पे भी हाईवे पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ये उस जगह के लिए बहुत अच्छा है जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत अंधेरा है और आप मोस्टली अकेले चल रहे हो, सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है, उस जगह के लिए लाइट बहुत अच्छा है, आपका राइड जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, आप सोलो रहते हैं। तो बस यही थी, तैयारी चल रही है राइड की, और कुछ वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं लीगल है या नहीं है, देखिए इस पे मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ तक पढ़ा है हेडलाइट के नीचे इसे लगाना चाहिए तो वो लीगल है, और कई जगह इसे लीगल मानते हैं, कई जगह इस पे फाइन है, तो वो टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट राइड या ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता इनकी ज़रूरत है, मैं भी आज तक 3 साल से ऐसे ही टूरिंग कर रहा हूँ, मैंने बस एक टेस्ट के लिए लगवाया है। बाकी जो फीडबैक होगा मैं अपने आने वाले राइड में शेयर करूंगा, अगर वो मेरे बाइक में लगा रहा तो, और अगर मैंने उसे निकलवा दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे निकलवाऊंगा भी तो उसमें उस लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइट बहुत अच्छी है, उस रेंज में मैं आपको पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ। तो बस इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, पीस।